students welcome you all in your subject science okay today we are going to start chapter 4 chotu's house look at this picture okay what do you see in the picture look at proper okay open your book page number ट्वेंटी सिक्स ओके दिस इज द स्टोरी अबाउट द लाइफ ऑफ सम पीपल इन मेगा सिटीज ओके हाउ डू दे सर्वाइव इन देयर सिटी सो जब कोई मेगा सिटी में जाता है तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं और कभी कभी किसी किसी के पास पैसे नहीं होते तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वो हम यहाँ पे देखेंगे ओके सो लुक एट द फर्स्ट पिक्चर ओके देर इज अ बॉय ही इज़ नेम्ड छोटू ओके छोटू है और वो पहली बार अहमदाबाद में आए हैं ओके छोटू केम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम सो लुकेट ही इज़ लुकिंग अराउंड दैर आस पास देख रहे हैं वहीकल है सब लोग आ जा रहे हैं ओके एंड सेकेंड पिक्चर दैर इज़ रेनिंग वो एक देखो यहाँ पे कपड़ा ओढ़ के यहाँ पे बेचे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बट ही हैज़ नो शेल्टर उसके पास रहने के लिए कुछ नहीं है सो so, सो इन दर्ड पिक्चर ही हैज़ गॉट सेंटर इन अ पाइप ओके फिर देखिए फोर्थ पिक्चर में ही इज कुकिंग और बाहर पीछे देखिए बिहाइंड हिम धेर आर क्लोथ्स ऑन द स्ट्रिंग्स ओके एंड नियर हीज देर इज़ अ ये वाटर स्टोरेज राइट और देखिए फिर ये कोई अनदर बॉय है एंड दे आर एंड द लास्ट पिक्चर दे आर टॉकिंग ओके ईटिंग कर रहे हैं और दोनों टॉकिंग कर रहे हैं तो हम ये स्टोरी के थ्रू सीखेंगे कि हाउ डू दे सर्वाइव इन मेगा सिटीज ओके

कोई उसे वहां से निकालेगा भी नहीं सो द पाइप वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विन्स रेन कोल्ड एंड हीट ओके तो उसके दिमाग में ये ख्याल आया सो हाउ डिड छोटू मीन यूज द पाइप अपने पाइप को कैसे यूज करते हैं छोटू यूज द पाइप एज ही होम अपने घर की तरह ही मस्ट हैव स्लैप इन द पाइप देखो छो सोए हुए हैं एंड क्या कर रहे हैं कुक इज फूड आउटसाइड बाहर कुक कर रहे हैं इट एंड सेंड अराउंड इट फॉर अ चैट विथ हिज फ्रेंड्स बाहर बैठ के वो बातें भी कर सकते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन टू विच पार्ट डिट छो टू डिवाइ द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया चलो कैसे यूज करेंगे कैसे डिवाइड किया है उसने अपने पाइप का जो उसका एक हाउस है राइट हमारे हाउस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि किचन बाथरूम बेडरूम अलग अलग होता है तो उसने भी देखो यहाँ पे वो बेड लगाया हुआ है यहाँ पे कपड़े हैं लुकेट यहाँ पे कपड़े है यहाँ पे, पे बेड लगाया हुआ है ओके और कुकिंग यहाँ पे आउटसाइड पे कर रहे हैं तो वो उसका किचन पार्ट हुआ सो so, छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया इन टू द फॉलोइंग पार्ट्स लाइक फॉर ए कुकिंग प्लेस फॉर स्लीपिंग प्लेस फॉर ड्राइंग क्लोथ्स यहाँ पे देखो क्लोथ्स भी तो वो उसका अलग एरिया है तो ये अलग अलग एरिया ऐसे जैसे हमारे घर में होता है ऐसे राइट किया है और वाटर को कहाँ पे स्टोरेज किया है बाहर राइट एक ड्रम में देखो वाटर स्टोरेज किया हुआ है और उसे कवर भी किया हुआ है राइट right? इन which पार्ट ऑफ हिज हाउस वुड छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम चलो कहाँ पे ज्यादा उसे अच्छा लगता होगा देखो छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ his टाइम इन द प्लेस कैब फॉर गेस्ट एंड फ्रेंड्स जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ बैठ सके वहाँ पे उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा ओके वाई डू यू थिंक छोटू डिवाइड इनवाइट मोनू टू लाइक विथ हिम इन द पाइप देखे यहाँ पे एक अनदर बॉय एंटर हो रहा है लाइक छोटू छोटू की तरह वो भी नए नए हैं छोटे हैं और मेगा सिटी में आए हैं तो छोटू ने उसे आने दिया हिज नेम मोनू बराबर तो क्यों उसे इन्वाइट किया होगा जस्ट लाइक छोटू क्योंकि उसे अपनी बात रियलाइज़ हुई होगी कि उसे क्या क्या फेस करना पड़ा तो जस्ट लाइक छोटू मोनू हैज़ ओसो कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही टू हैज नो प्लेस टू स्टे छोटू वॉन्टेड टू फ्रेंड उसे फ्रेंड की ज़रूरत थी जो उसके साथ रह सके ओके फ्रेंड टू स्टे विथ हिम देर फॉर छोटू इन्वाइट मोनू तो टू लीव हिम इन द पाइप ओके okay? क्योंकि वो उसके साथ रहे तो उसे कंपनी भी मिलेगी अंडरस्टैंड इसलिए उसने उसे रहने के लिए जगह दी ओके हाउ बिल यू मेक अ हाउस इन पाइप इफ़ यू वेर छोटू देखिए अगर आपका घर ऐसे छोटू की तरह पाइप होता तो आप उसे कैसे मैनेज करते कैसे रखते थिंक अबाउट इट हो सकता है हम भी कभी कभी कोई मेगा सिटी में जाए और हमारे कोई रिलेटिव वहाँ पे ना हो तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे ओके okay, हमें ये सीखना है सो so, आप अपनी तरह से सोचिए सो इफ यू वर लाइक अ छोटू आई विल अरेंज सर्टेन थिंग्स अराउंड मी द पाइप प्रोटेक्ट इट मी फ्रॉम डस्ट हीट इट सी बराबर वहाँ पर साफ रखते क्लीन रखते डस्टिंग करते राइट right? And throw garbage outside of the pipe, and keep clean the surrounding and under. Okay, inner part or surrounding area, we clean. If we, if right? So from this story, we have to learn that how do people survive in the mega cities if they were. नो मनी ओके अगर नहीं होते तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते या आप सीख सकते हैं ओके स्टूडेंट्स छोटू की स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला देखिए यहाँ पे ये दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं तो उनको कंपनी भी मिल गई और दोनों एक दूसरे का काम भी बांट सकते हैं राइट right? और अपने एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स Thank you.